Going to talk about the tunnel, a story by Ruskin Bond. Friends, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जैसा कि रस्किन बॉन्ड के बारे में हम जानते हैं कि मोस्टली वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स नेचर इनके बारे में ज़्यादा लिखते हैं, तो इस स्टोरी में भी द टनल में एक टाइगर की स्टोरी है जिसमें किस तरीके से उसको बचाने के लिए एक जो पर्सन है वो पहल करता है। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि शुरू करते हैं तो एक बॉय है जिसका नाम सूरज है, उसका हमेशा एक माइंड होता है कि उसको मन करता रहता है कि मैं फॉरेस्ट में जाऊं। तो एक दिन वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे फॉरेस्ट में जाना है, तो दोपहर का टाइम होता है और वो अपनी बाइसाइकिल से जाता है फॉरेस्ट में। उसको जब रास्ते में जाता है फॉरेस्ट की तरफ जा रहा होता है तो एक टनल नज़र आती है। सूरज जो है उस टनल को देखकर वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसको अब एक्सपीरियंस करना है उस टनल को कि उसको उसके अंदर क्या है या फिर अंदर कैसी है। सो अपनी बाइसाइकिल को वो एक साइड में लगाकर एक साइड में खड़ी करके और उसके बाद में वो टनल की तरफ बढ़ता है। सूरज जैसे ही टनल की तरफ बढ़ता है एक ट्रेन वहाँ से आती है क्योंकि उस टनल में ट्रेन का इस तरीके से उसे पता चलता है कि वहाँ पे एकदम जैसे होता है ना कंपन सी होने लग जाती है अर्थ पे कि जैसे कोई अर्थक्वेक आ रहा हो, तो इस कंपन से उसको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे ट्रेन आने वाली है और बाद में देखता है कि वो किस तरीके से जो ट्रेन है वो टनल में से आ रही है। तो उसको बहुत अच्छा लगता है वो देख कर, तो उसे देख कर वो ये डिसाइड करता है कि मुझे एक्सपीरियंस करना ही है कि दूसरी तरफ क्या है इस टनल के और इसमें एक बार जाकर मुझे देखना है। तो वो टनल की तरफ जाता है और टनल में बहुत अंधेरा होता है। एज़ यूजुअल फ्रेंड्स, आपने भी देखी होंगी टनल, तो अंदर उसे अंधेरा लगा और यहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे कि रात हो रही हो, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा तो पीछे मुड़कर देखा तो उसे थोड़ा उजाला नज़र आ रहा था, तो क्योंकि ये मिड आफ्टरनून का टाइम था तो उजाला था, रात तो नहीं हुई थी, लेकिन अंदर कुछ कम लाइट थी, कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा था। लेकिन अब उसके माइंड में कुछ ऐसा फियर नहीं था, वो सिर्फ आगे बढ़ता जा रहा था क्योंकि उसे पता था अब दिन है, रात तो हुई नहीं है, तो मैं आराम से इसको अंदर से देख सकता हूँ। लेकिन अंदर जाने के बाद में उसे कुछ अजीब साउंड नज़र आने लगी, उसको लगा कि शायद ये कोई बर्ड की साउंड है या किसी चमगादड़ की साउंड है या कुछ ऐसे और इंसेक्ट हैं जिनकी ये आवाज़ हो सकती है, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब वो देखता है टनल के अंदर कि उससे जैसे ही वो दूसरे एंड से बाहर निकलता है तो उसे लगता है कि यहाँ पे कोई लियोपार्ड गया है जैसे उसके सामने, उसको ऐसा फील हुआ। तो वहाँ पे वो वॉचमैन देखता है और उस वॉचमैन के पास में जाता है। अब उस वॉचमैन का नाम होता है सुंदर सिंह। अब सूरज जो है वो सुंदर सिंह से पूछता है कि उस वॉचमैन से पूछता है कि यहाँ पे कोई जानवर है क्या, कोई यहाँ पे रहते हैं क्या कुछ जानवर। तो वॉचमैन जो सुंदर सिंह था उसने कहा कि हाँ लियोपार्ड रहता है यहाँ पे, जिसको मैं यहाँ पे बचाता हूँ। अब सूरज को लगता है कि तुम कैसे बचाते हो लियोपार्ड को। तो उस सुंदर सिंह से पूछने पर कि मतलब क्या तुम यहाँ पे रहते हो, तो तुम किस तरीके से बचाते हो लियोपार्ड को, तो वो तुम्हें क्या नुकसान नहीं पहुंचाता कि लियोपार्ड को कोई कैसे बचा सकता है। तो इस पे सुंदर सिंह कहता है कि नहीं, लियोपार्ड मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि मैं उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता हूं, तो वो मुझे कुछ भी नहीं करता है। तो इसके बाद में सूरज पूछता है कि तुम यहाँ पे करते क्या हो और कैसे करते हो, मतलब कैसे बचाते हो और यहाँ पे ये सारी चीज़ें तुम कर कैसे लेते हो। तो सुंदर सिंह कहता है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ सिर्फ लियोपार्ड को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कभी कोई ट्रेन एक्सीडेंट में वो मारा ना जाए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन आती है तो मे बी अगर मैं उसको लाइट नहीं दिखाऊंगा, मैं अपनी लाइट से उसे आगाह करता हूँ कि ट्रेन आने वाली है तो वो यहाँ से भाग जाता है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो वो हो सकता है कि उसका कभी एक्सीडेंट हो जाए ट्रेन से और वो मर सकता है, तो इस तरीके से मैं उसे बचाता हूँ अपनी लालटेन की लाइट की वजह से, जिससे कि वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये सब कुछ बातें करता है वो उसे और उसे पूछता है कि उसका एक्सपीरियंस जो था आज का वो बहुत अच्छा था,
और वो यहाँ तक कि वो रात में भी यहाँ का कैसा सीन होता है, मतलब फॉरेस्ट में साथ ही साथ टनल के आसपास में, तुम ये सब कुछ कैसे करते हो, ये सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में आ रहे थे। तो वो नाइट का सीन देखना चाहता था, तो वो सुंदर सिंह से पूछता है कि क्या मैं यहाँ पे रात में आ सकता हूँ। तो सुंदर सिंह कहता है कि हाँ, इनफैक्ट जो गांव की यहाँ पे तुम नाइट में आओगे, मे बी वो जो सिटी की जो नाइट्स होती हैं वो वहाँ से तो बेटर ही है, कि मतलब अगर आप सिटी में रुककर कोई रात बिताते हो उसकी बजाय अगर फॉरेस्ट में आप बिताते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे वो नेचर को बता रहा है कि जैसे जो सिटी के पीपल हैं वो कितने मटेरियलिस्टिक होते हैं, कितने भौतिकवादी होते हैं, उनका नेचर से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये चीज़ सुंदर सिंह सूरज को बताना चाहता था कि सिटी लाइफ से तो बेटर है कि तुम फॉरेस्ट में आकर यहाँ पे नाइट स्पेंड करो। तो इस इन सब चीज़ों के बाद में ये वो ये भी कहता है कि फॉरेस्ट जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है रात को, मतलब जैसा दिन को नज़र आता है वैसा रात को नहीं होता, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। बट यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मतलब कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं जो आप नाइट में नहीं देख सकते हो। तो अब सूरज को मतलब ये क्यूरियोसिटी हो जाती है कि मुझे रात को आना चाहिए और मुझे यहाँ पे नाइट एंजॉय करनी चाहिए, देखना चाहिए यहाँ पे किस तरीके का माहौल होता है। तो ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहता है जो उसको सुंदर सिंह ने कहा था। अब यहाँ पे कुछ टाइम के बाद में रात को सूरज जो है और सुंदर बैठे हुए होते हैं उसी जगह पे, अब वो एक्सपीरियंस करना चाहता है और वो दोनों टी पी रहे होते हैं, मतलब चाय पी रहे होते हैं। सुंदर सिंह जो है वो उसको बताता है कि अभी अभी एक लियोपार्ड यहाँ से गया है, क्या तुमने फील किया? तो सूरज ने भी कहा हाँ, मैं उस लियोपार्ड को महसूस कर सकता था, मुझे भी लगा यहाँ से गया है। तो उसने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से वो वॉचमैन के यहाँ से लियोपार्ड आता जाता रहता है और किस तरीके से मतलब आया भी और चुपचाप चला भी गया, क्योंकि जैसे ही लियोपार्ड लाइट देखता है वो वहाँ से चला जाता है, कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वॉचमैन भी तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाता और वो डिसअपियर हो जाता है। उसी टाइम पे जैसे ही वो लाइट को देखकर डिसअपियर हो जाता है लियोपार्ड, वहाँ पे ट्रेन आती है और टनल में से निकल जाती है। इस इंसिडेंट से ये पता चलता है कि लियोपार्ड की जो ज़िंदगी है वो किस तरीके से अमूल्य है और अभी भी वो जिंदा है। बट सुंदर सिंह को दिन रात यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे रुकना पड़ता है लियोपार्ड को बचाने के लिए, ताकि उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, इसलिए उसकी वो प्रोटेक्शन में बिजी रहता है हमेशा। इसके बाद में सूरज वहाँ से वापस घर आ जाता है। एक हफ्ते बाद क्या होता है कि सूरज के फादर को कहीं पर जाना होता है कुछ काम से दिल्ली, तो इस वर्क के काम से वो कहीं पे जा रहे होते हैं, तो वो सूरज को कहते हैं कि क्या तुम भी जाना चाहोगे मेरे साथ दिल्ली? तो सूरज ने कहा ठीक है, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ में। तो वो दोनों दिल्ली की निकलते हैं ट्रेन से, और सरप्राइजिंग थिंग ये होती है कि उनकी ट्रेन जो होती है वो उस टनल के वहाँ से ही गुजर रही होती है, मतलब उसी ट्रेन से जा रहे होते हैं जो उस टनल से गुजरेगी। सूरज जो था वो ट्रेन में बैठा था और सडनली उसने ये देखा कि उसी टनल से जब उनकी ट्रेन दिखी थी, जो उसने एक वीक पहले उसने जो टनल देखी थी उसमें से जब उसकी ट्रेन पास होती है, तो वो देखता है कि एक लाइट उसे नज़र आती है। दूसरे लोगों के लिए तो वो एक सिर्फ एक लाइट थी, उसको कई लोगों को ये भी लग सकता है कि जैसे कोई फायर फ्लाई हो, कोई जुगनू हो, लेकिन सूरज को समझ गया था कि ये ना तो कोई फायर फ्लाई है ना जस्ट एक लाइट है, ये वॉचमैन सुंदर सिंह है जो अपनी लालटेन से लाइट करके उस लियोपार्ड को बचाने की कोशिश कर रहा है। सो थी ना फ्रेंड्स बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी कि किस तरीके से एक वॉचमैन सुंदर सिंह और लियोपार्ड को बचाने के लिए इस तरीके से मेहनत कर रहा था, वो दिन रात अपनी ड्यूटी निभा रहा था। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन।